आज है वर्ल्ड बाइपोलर डे और आज हम बाइपोलर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक मेंटल इलनेस है, एक दिमागी समस्या है जो दिमाग में केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से होती है। बाइपोल यानी कि दो पोल्स, यानी कि दो छोर। पहला छोर है मेनिया, एक फेज़ होता है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, आइडियाज़ का बहुत ज़्यादा आना, ग्रैंडियोस आइडियाज़, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, बहुत ज़्यादा सोशल हो जाना, सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ जाना, भूख प्यास नींद कम लगती है, महसूस ही नहीं होती ज़रूरत, इतनी एनर्जी आ जाती है इंसान के अंदर, कई लोग एग्रेसिव भी हो जाते हैं। दूसरा फेज़ आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में लो मूड हो जाना, उदासी होना, नेगेटिव विचार आना, गिल्ट फील करना, टायर्ड फील करना, बहुत थका हुआ रहना, रोना, ये सब चीज़ें आपके डिप्रेशन का हिस्सा है। याद रहे ये नॉर्मल मूड स्विंग से बहुत अलग है, ये एक्सट्रीम मूड स्विंग है। इस हद तक कि आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, रिश्ते, सारे चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं इस बीमारी के चलते। अब बात कर लेते हैं इसके इलाज की। इसका इलाज साइकैट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिलके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साइकैट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक, ये आपको ऐसी दवाइयाँ देंगे जो आपका मूड जो है वो वापस से नॉर्मल पे आके रहे और वैसा ही मेंटेन रखने में। दूसरे जो चिकित्सक हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, आपको वो तरीके बताएंगे जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने से ये मदद मिलेगी कि आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो बार बार और जल्दी जल्दी नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी पाएंगे। क्या इसका जो ट्रीटमेंट है वो ज़िंदगी भर चलता है? तो देखिए, इसके आंसर बहुत सिंपल नहीं होते, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों में लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ती है और कुछ लोगों की दवाई छूट भी जाती है, लेकिन दोनों ही सूरत में एक ऐसा फेज़ ज़रूर आ सकता है कि जिसमें एक इंसान नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ को लीड कर सके, अच्छी ज़िंदगी बिता सके अपने परिवार वालों के साथ, ये आना बहुत हद तक संभव है। तो आई होप कि ये वीडियो के द्वारा आपको बाइपोलर इलनेस के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। और जानकारी चाहते हैं आप हमें DM कर सकते हैं, हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और ऐसे ही मेंटल इलनेस रिलेटेड जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें।